ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिस तरह से तानाशाही रवैये की सरकार तानाशाही तरीके से एक बिल लेकर आई जिसे बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और इस बिल को एक्ट में इन लोगों ने तब्दील किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। बाबा साहब के संविधान के साथ में छेड़छाड़ की गई है, आर्टिकल 14-15 को खत्म करने की कोशिश की गई है। आज इस रुड़की क्षेत्र के अंदर, रुड़की में मेन हाईवे पर मुस्लिम समाज और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त पदाधिकारीगण, जिला और विधानसभा और ग्राम स्तर के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित रहे, इस काले कानून का विरोध करते हैं। और ये विरोध जब तक जारी रहेगा, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे इस विरोध दर्ज कराने के उसमें हम लोगों को शहादत देनी पड़े, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि ये बिल किसी के विरोध में नहीं है। सरकार कह रही है कि ये बिल किसी के विरोध में नहीं है, तो तुमने मुसलमानों को क्यों अलग किया उससे? जब ये बिल किसी के विरोध में नहीं है, तुमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से समस्त हिंदुओं को, बौद्ध को, क्रिश्चन को, पारसी को, सिख को लिया गया है, तो मुसलमान को क्यों नहीं लिया है? इसका मतलब तुम सीधा सीधा मुसलमान को टारगेट कर रहे हो। इस देश के अंदर मुसलमान आबादी भारी संख्या में है, तुम उस मुसलमान आबादी को टारगेट कर रहे हो। क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? क्या मुसलमान ने इस देश में शहादत नहीं दी है? मुसलमान इस देश में ही रहेगा, ये किसी की बाब में औकात नहीं है, चाहे वो संगी हो चाहे वो फिरंगी हो, मुसलमान को नहीं निकाल सकता है। तो आज किस तरह का ज्ञापन सौंपा गया? आज ये ज्ञापन बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने दिया है, और इसमें बड़ी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के साथी उपस्थित रहे हैं। हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर मौजूद भी हैं। ज्ञापन में क्या मांग रखी है? ज्ञापन में मांग हमारी यही रखी गई है कि इस काले कानून को पूरी तरीके से वापस लिया जाए, और जामा मस्जिद से चंद्रशेखर भाई को अरेस्ट किया गया है, चंद्रशेखर भाई को पूरी तरह से रिहा किया जाए। और जैसे तानाशाही रवैये के साथ में जिला सहारनपुर की जेल में कमल भाई, मंजीत भाई और शिवम भाई को जेल के अंदर रखा हुआ है, तो जल्द से जल्द इन लोगों को रिहा किया जाए। और भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग राष्ट्रपति महामहिम महोदय को रखती है। अगर इस ज्ञापन पर जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो इस प्रदेश के अंदर 13 जिले हैं, 70 विधानसभाएं हैं, 13 जिलों में से लगभग 70 विधानसभाओं में से 35 विधानसभाओं में भीम आर्मी काबिज है, और उन 35 विधानसभाओं में बड़ा भयंकर आंदोलन होने वाला है, जिसका पूरा नुकसान, अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा, क्षति होगी, तो शासन और प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। जय भीम। यहाँ पर भीम आर्मी द्वारा एक सीए बिल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें वो करीब 600 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं जुलूस के रूप में, और वहाँ जाके जॉइंट मजिस्ट्रेट मैडम को ज्ञापन देंगे, और उसके बाद ये डिस्पर्स होंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, कहीं किसी को दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पूरी पुलिस